वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर। अगर आप यार VN एडिटर को अभी अभी इंस्टॉल किया एंड VN एडिटर में कैसे एडिटिंग किया जाता है ये सीखना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो देख लो, ठीक है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z बताने वाला हूँ कि आप कैसे VN एडिटर को यूज कर सकते हो एंड वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। मैं यार बेसिक से लेकर एडवांस हर एक चीज बताऊंगा, जैसे कि आप अपनी वीडियो को कैसे दो वीडियो को कंबाइन कर सकते हो, अपने स्काई को कैसे चेंज कर सकते हो, समझ लो, मीन्स बेसिक टू एडवांस हर एक चीजों को बताऊंगा। तो यार वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना एंड अब अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम VN एडिटर को ओपन कर लेंगे एंड ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। तो एडिटिंग करने के लिए प्लस वाले बटन के ऊपर टैप कर देना होता है, देन न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड जिस भी वीडियो को आप एडिट करना चाहते हो उस वाले वीडियो को आप सेलेक्ट कर लो। अब अगर यार आपको दो वीडियो को कंबाइन करना है तो उन दो वीडियोज को आपको सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में मैंने एक वीडियो सेलेक्ट किया एंड एक इसे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, एंड उसके बाद एरो वाले बटन के ऊपर टैप कर देना तो वीडियो ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो दो वीडियोज हैं वो कंबाइन हो चुकी है। अब अगर इनके बीच में आपको कोई ट्रांजिशन यूज करना है तो ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक करके कोई ट्रांजिशन ऐड कर दोगे तो दोनों वीडियोज कंबाइन हो जाएंगे। अब कंबाइन हो गई, एक्सपोर्ट वाले बटन के ऊपर टैप करके आप इसे एक्सपोर्ट कर लो, ठीक है। एक्सपोर्ट में आप एक सेटिंग कर सकते हो, यहाँ पे ना ये डिसेबल रहता है, इसे आप सिर्फ इनेबल कर देना एंड उसके बाद एक्सपोर्ट कर देना, काफी अच्छा क्वालिटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाता है। अब एक्सपोर्ट करने समय भी ना कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वो क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले जो और टूल है यहाँ पे उनके बारे में जान लेते हैं, ओके। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो को एडिट करके दिखाऊंगा, तो यार ये जो दूसरा वीडियो है उसे डिलीट कर देते हैं ना। उसके बाद वीडियो के लास्ट में पाओगे ना तो आपको यहाँ एक वाटर मार्क देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना एंड आप इसे डिलीट कर देना, ठीक है। देन उसके बाद देख सकते हो ये बिल्कुल हमारी नॉर्मल सी वीडियो है, ओके। ना उसके बाद अगर आपको यहाँ पे ना अपनी वीडियो को स्लो करना है या फिर वीडियो में म्यूजिक ऐड करना है, टेक्स्ट ऐड करना है, तो ये सब कैसे कर सकते हैं, तो चलो सबसे पहले हम अपनी वीडियो में म्यूजिक ऐड करके देखते हैं। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको ये म्यूजिक वाले बटन के ऊपर टैप करना होगा एंड म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपके डिवाइस में जितना भी म्यूजिक होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। जो यूज करने का मन करे उस वाले म्यूजिक को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये वाला म्यूजिक जो हो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप म्यूजिक ऐड कर सकते हो। वैसे तो मेरे जो में ऑलरेडी म्यूजिक है तो ये वाला म्यूजिक को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपको अपनी वीडियो के ऊपर टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना, फिर से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना, ऐड अ हेडिंग के ऊपर क्लिक कर देना एंड लो भाई टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। अब जो आपको लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे फर्स्ट एडिट लिख सकते हो, ठीक है, मीन्स फर्स्ट टाइम अगर आप VN एडिटर को यूज कर रहे हो तो फर्स्ट एडिट लिख के जस्ट डन कर सकते हो एंड जहां रखना चाहो आप वहां रख सकते हो। अब बोलोगे भाई फॉन्ट एनिमेशन ये सब अगर करना हो तो एडिट के ऊपर जाना एंड यहाँ पे AA के ऊपर क्लिक करोगे या फिर FF के ऊपर तो फॉन्ट आ जाएंगे, ठीक है। काफी सारे यहाँ पे फॉन्ट देखने को मिल जाता है, जो अच्छा लगे उसे सेलेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कलर आप चेंज कर सकते हो। सो देख लेना अगर कोई कलर अच्छा लगे तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो, बॉर्डर ये सब भी आप यहाँ से दे सकते हो, काफी टाइप के आपको डिजाइन मिल जाते हैं एंड उसके बाद डन करना। देन उसके बाद अगर आपको इसमें एनिमेशन ऐड करना है तो मोशन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे एनिमेशन भी ऐड कर सकते हो, काफी टाइप के एनिमेशन मिल जाते हैं, आप इन्हें यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला यूज किया तो देख सकते हो कुछ ऐसा एनिमेशन बन रहा है, ठीक है। फिलहाल मैं टेक्स्ट को भी डिलीट कर दे रहा हूँ, उसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, बस मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ कि आप किस तरीके से टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, ओके। उसके बाद अगर आपको अपनी वीडियो के ऊपर कोई वीडियो को अप्लाई करना है तो आप कैसे कर सकते हो, तो ये वाला जो बटन आपको देखने को मिला ना PIP वाला, इसके ऊपर क्लिक करना एंड वीडियो टू वीडियो मीन्स फोटो के ऊपर क्लिक कर देना तो आप देख पाओगे कि यहाँ से मीन्स आप अपनी वीडियो या फिर अगर आप फोटो के ऊपर क्लिक करोगे तो फोटो को ऐड कर सकते हो। अब इसका यूज कब किया जाता है पता है, जब आपको स्काई चेंज वीडियो एडिटिंग करना हो, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे ना आपको एक स्काई चेंज वीडियो एडिटिंग करके दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ आएगा। बटन के ऊपर टैप करके वीडियो एंड फोटो के ऊपर जाता हूँ और एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें स्काई हो, स्काई रहेगा तब ना स्काई चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे देख सकते हो यहाँ वीडियो है। अब इसमें अगर स्काई चेंज करना होता है ना तब जाके हम इस वाले ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करना होता है, वीडियो एंड फोटो के ऊपर क्लिक करना होता है और यहाँ पे जस्ट आपको एक स्काई को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला स्काई को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इस तरीके से जस्ट यहाँ पे रख लेंगे एंड उसके बाद इसमें आपको यूज करना होता है, ठीक है। नीचे में काफी सारे ऑप्शन आते हैं, इन सभी ऑप्शन के बारे में आपको बताऊंगा कि आप कैसे यूज कर सकते हो, बट स्काई चेंज के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो स्क्रॉल करोगे ना तो आपके सामने यहाँ पे एक मास्क का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। मास्क के ऊपर आना एंड उसके बाद लीनियर को सेलेक्ट करना, फिर से लीनियर के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको तीन चीजें देखने को मिलोगी, दो एरो एंड एक सर्कल। तो आपको सर्कल को पकड़ के अपना स्काई तक रखना है और एरो को थोड़ा सा नीचे कर देना है और इसे आपको थोड़ा आदमी से मीन्स जहां पे पर्सन है ना उसके थोड़ा ऊपर ही रखना तो काफी सही रहेगा।
गया एंड उसके बाद डन कर देना। अब स्काई चेंज का अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो चैनल पे पड़ी हुई, आप वहां से देख सकते हो। ना अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको एक स्काई चेंज करके दिखा दिया, देख सकते हो जो हमारा स्काई है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो मीन्स इस वाले ऑप्शन का यूज हम करते हैं स्काई चेंज के लिए, तो ये सब वीडियोज को मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ दिखा दिया। देन उसके बाद आप देख सकते हो ये ऊपर वाला जो है वो बातों बातों में हमने कवर कर लिया कि किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। तो आप समझ चुके सारे को कैसे यूज करना है। देन उसके बाद नीचे में हम आ जाते हैं, तो नीचे में आपको फिल्टर देखने को मिलता है। अगर आपको वीडियो को कलर ग्रेड करना है तो फिल्टर के ऊपर क्लिक करना, देन उसके बाद काफी सारे फिल्टर मिलते हैं, किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो अच्छा लगे उसे सिलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल A3 को हम सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सिनेमेटिक टाइप का लग रहा है। देन उसके बाद एडजस्टमेंट में आके यहाँ पे काफी सारे आपको टूल मिल जाते हैं, इनकी हेल्प से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि अगर एक्सपोजर बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ, कॉन्ट्रास्ट को भी यहाँ से हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा सेटिंग हमें मिल जाता है, इन सभी को यूज किया जा सकता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर ग्रेड कर ले रहा हूँ एंड विंटेज को जस्ट यहाँ पे हम इंक्रीज करते हैं। HSL टूल भी हमें मिल जाता है, ठीक है, इसके कारण कि आपको पता होगा एक एक कलर को एडिट किया जा सकता है। तो देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, मीन्स कलर ग्रेडिंग ये सब। मैं जस्ट आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि हाँ भाई सारा टूल्स है, इनकी यूज करके आप कर सकते हो। अब कैसे किया जाता है, बहुत सिंपल होता है HSL में, ठीक है। HSL में आप आओगे तो देखो आप अपने अकॉर्डिंग करना, मैं जस्ट आपको बेसिक बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे HUE के ऊपर क्लिक करोगे ना, ठीक है, तो HUE के ऊपर आप क्लिक करोगे तो कलर से चेंज होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो कलर चेंज हो रही है, ठीक है। जो कलर अच्छा लगेगा उसे सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद सेचुरेशन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो इसका जो देख सकते हो सेचुरेशन कम हो रहा है, ठीक है, एंड ज्यादा करेंगे तो ज्यादा होगा। देन उसके बाद लाइटनेस के ऊपर इंक्रीज या फिर इसे डिक्रीज करोगे तो लाइटनेस बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका बेसिक सा ये चीज है, शार्पन से आपको क्वालिटी थोड़ा अच्छा कर सकते हो एंड बाकी बाद ये सब बेकार की चीजें, तो डन करते। देन उसके बाद देख सकते हो भाई हमारी वीडियो कलर ग्रेड हो चुकी, ठीक है। ये था हमारा बिफोर वाला वीडियो एंड उसके बाद कलर ग्रेड होने के बाद देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है, मीन्स सिनेमैटिक टाइप का लग रहा है। तो इस तरीके से आप कलर ग्रेड कर सकते हो। नाउ उसके बाद अगर आपको स्लो मोशन करना हो तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, वीडियो को ऊपर टाइप करना, स्पीड के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। अब बोलोगे भाई ये सब टूल के बारे में बता दो ना यार, बहुत सिंपल है सब टूल, ठीक है। स्प्लिट का आप यूज कर सकते हो अपनी वीडियो को दो पार्ट में कट करने के लिए एंड बहुत जरूरी चीज है ये, ठीक है। आप स्प्लिट के ऊपर क्लिक करोगे तो दो पार्ट में कट हो गया, फिर से स्प्लिट के ऊपर क्लिक करो कट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कट हो रही ना तो उसके साथ साथ आपको ट्रांजिशन का भी ऑप्शन मिल जा रहा है, ठीक है। ट्रांजिशन के ऊपर आप क्लिक करो, काफी सारे ट्रांजिशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और जो ट्रेंडिंग ट्रांजिशन है वो देख सकते हो, ये लाइट वाला वो भी हमें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो इसे आप यूज कर सकते हो, मैं जूम को यूज करूंगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, एंड उसके बाद इसे डन करेंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक FX मिलेगा, ठीक है, पर आप क्लिक करोगे तो अपनी वीडियो में आप फ्लैश इफेक्ट, सेक इफेक्ट, ये सब इफेक्ट को ऐड कर सकते हो। फ्लैश ऐड करना होगा तो व्हाइट को सेलेक्ट कर लेना एंड जहां फ्लैश इफेक्ट ऐड करना चाहते हो वहां पर रख देना, ठीक है। एंड अगर आपको सेक को यूज करना है, सेक इफेक्ट अगर ऐड करना है तो जीटेल को यूज कर सकते हो। जीटेल लेफ्ट, जीटेल राइट, सेक, बहुत टाइप का मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट हम जीटेल को सिलेक्ट करते, वीडियो का स्टार्टिंग में ऐड करते एंड डन करते, तो आप यहाँ देख सकते हो ट्रांजिशन एंड FX का यूज करके कितना अच्छा वाला यहाँ पे एक हमारे सेक इफेक्ट बन गया, ठीक है। तो इस तरीके आप बना सकते हो इन सभी का यूज करके, मीन्स स्प्लिट से आप कट कर देना पहले, देन उसके बाद ट्रांजिशन ऐड कर देना, ट्रांजिशन ऐड हो जाए उसके बाद FX को यूज कर लेना, ठीक है। तो सारे इधर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब डिलीट से तो आप डिलीट कर दोगे वीडियो को, और क्या ही होगा, ठीक है। स्लो मोशन की हम बात करते हैं, तो स्लो मोशन करने के लिए आपको अपनी वीडियो के ऊपर टैप करना होता है एंड स्पीड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। देन उसके बाद आप रेगुलर के ऊपर आओ और इसे बैक कर दो, जितना बैक करते जाओगे उतना ज्यादा ये स्लो होते जाएगा। इससे होता यह है ना कि पूरे वीडियो स्लो हो जाती है, इसलिए जनरली लोग इसे यूज नहीं करते, कर्व के ऊपर आके कर्व को यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा जनरली नॉर्मल कर देता हूँ एंड कर्व के ऊपर आते, तो कर्व को कैसे यूज किया जाता है, बहुत सिंपल होता है। जहां आपको स्लो करना है उसे नीचे कर दो, जहां फास्ट करना है वीडियो को उसे ऊपर कर दो। अब बोलोगे भाई मुझे यहां स्लो करना है, अब यहां तो कोई पॉइंट है नहीं जो कि इसको नीचे ऊपर करे, तो आप लॉन्ग प्रेस करके रखो जहां पे भी करना है एंड उसके बाद एड स्टोरी के ऊपर क्लिक कर देना। ऊपर करना है मीन्स स्पीड हो जाएगा, नीचे करोगे तो स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना कहां स्लो एंड कहां स्पीड करना है एंड उसके बाद डन कर देंगे। तो देख सकते हो इसमें कहीं स्लो हो रहा है, कहीं फास्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से स्लो मोशन भी कर सकते हो। सो बेसिकली मैंने यहां पे आपको हर एक चीजों के बारे में बता दिया है, ठीक है। बाकी ये सब जो टूल्स है ना, इन्हें आप खुद से यूज कर सकते हो। जैसे कि मिरर से क्या होगा, लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, रोटेट से क्या ही होगा, रोटेट हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद जूम से क्या होगा, जूम आप कर पाओगे, ठीक है। इसमें नहीं, जूम में ना एक चीज होता है ये कि आप जस्ट इसमें लेफ्ट राइट यूज कर सकते हो। तो हो गया ये ना कि आपकी वीडियो जो होगी वो लेफ्ट से राइट मूव करेगी, राइट से लेफ्ट मूव करेगी, जो कि यार फोटोज में अच्छी होती, वीडियो में
अच्छे नहीं होती है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन मिलता है, ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली मैंने हर एक चीज आपको बता दी। अब उसके बाद एक्सपोर्ट सेटिंग की अगर बात की जाए तो आप एक्सपोर्ट के ऊपर आके आप इसे एक्सपोर्ट ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करोगे ना तो काफी अच्छा क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर देगा। बट अगर आपको और अच्छा क्वालिटी चाहिए तो यहाँ पे ये जितने भी दिख रहे हैं ना इन सभी को मैक्सिमम कर दो एंड उसके बाद आप इसे एक्सपोर्ट कर लो तो वीडियो जो आपको बनेगी ना वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी में बनेगी, ठीक है। तो एक्सपोर्ट हो जाए देन उसके बाद आपके पास सेव ओनली का ऑप्शन आएगा तो सेव ओनली के ऊपर क्लिक कर देना एंड भाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप वीएन एडिटर को यूज कर सकते हो। आई होप आपको ट्यूटोरियल पसंद आया हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर यार आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मैं हूं भाई सुधांशु द एडिटर और फिलहाल मनीष भाई के साथ मैं काम कर रहा हूं एंड आपके लिए एडिटिंग ट्यूटोरियल्स बना रहा हूं, ठीक है। तो यार आप मुझे भी सब्सक्राइब कर सकते हो मींस मेरे चैनल को भी जिसका नाम है सुधांशु द एडिटर, यूट्यूब पे सर्च करके कर सकते हो अगर अच्छा लगे मेरा चैनल तो, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।